नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, MCQs करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडक्शन मोटर। पार्ट वन मैंने करा दिया था, उसको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। अब इंडक्शन मोटर का पार्ट टू वाले MCQs हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, ये एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन इलेक्ट्रिकल मशीन में इंक्लूडेड है, क्योंकि सबको पता है एनर्जी कंजर्वेशन में एक इलेक्ट्रिकल मशीन्स का पार्ट भी आता है। अब जिसने एनर्जी कंजर्वेशन ध्यान से पढ़ा होगा ना, वो ये क्वेश्चन कर लेगा बड़ी आराम से। एक्चुअली ये क्वेश्चन JB गुप्ता का है, लेकिन पावर ग्रिड और SSC JEE पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल के टाइम पर ये क्वेश्चन इंक्लूड होता है। ये क्वेश्चन वैसे कभी नहीं आया, ये क्वेश्चन आज तक एग्जाम में कभी नहीं आया, लेकिन आजकल जैसे कंसेप्चुअल पेपर बन रहे हैं, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है। अब जरा समझिए, इसने बोला है कि ये पंप इंडक्शन मोटर है जो स्विच ऑन करते हैं हम 30% लोअर सप्लाई से, रेटेड वोल्टेज से। तो पंप अगर घूम जाता है तो क्या होगा? ठीक है, समझिए। अब जिस लड़के ने एनर्जी कंजर्वेशन सही से पढ़ा होगा ना, वो देखते ही इसका सही आंसर कर देगा, और जिसने नहीं पढ़ा होगा वो इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में गलत आंसर टिक कर देगा तुक्के से, और उसकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। जरा समझते हैं। देखिए, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, यदि कोई भी चीज़ पे हम रेटेड वोल्टेज से लोअर वोल्टेज पे चलाते हैं ना, तो उसकी एफिशिएंसी डाउन होती है, वो पुअर एफिशिएंसी से डरता है चलती है चीज़। और उसमें जब भी कोई चीज़ पुअर एफिशिएंसी से चलती है ना, तो उसका डैमेज होने का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि जब भी किसी चीज़ को हम सप्लाई वोल्टेज से लोअर पे चलाते हैं ना और वो रन करेगा, तो उसमें हीटिंग और सब्सिक्वेंटली डैमेज होने का खतरा होता है। आपने पढ़ा होगा ना, मशीन को हमेशा जितनी सप्लाई वोल्टेज है उस पे चलाना चाहिए। अगर हम 30% उससे रेटेड लोअर वोल्टेज पे चला देंगे या उसको ओवर वोल्टेज पे चला देंगे, तो उसको हीट और सब्सिक्वेंटली डैमेज होने का खतरा होता है। एनर्जी कंजर्वेशन में एक टॉपिक होता है कि मेथड्स क्या होते हैं एनर्जी बचाने के, तो उसमें दिखाते हैं कि कभी भी लोअर वोल्टेज और हायर वोल्टेज पे रन नहीं करना चाहिए रेटेड से। ठीक है, तो डैमेज होने का खतरा होता है। तो ऑप्शन आएगा गेट हीटेड एंड सब्सिक्वेंटली डैमेज, ऑप्शन डी। ठीक है, तो थोड़ा भैया थ्योरी ढंग से पढ़ा करो, नहीं तो फिर बिना थ्योरी के कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट है, सर्कल डायग्राम इंडक्शन मोटर का क्या डिटरमाइन नहीं कर सकता? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आएगा भाई क्वेश्चन, ये मस्ट आएगा इस बार, किसी भी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आएगा क्वेश्चन, देख लेना। सर्कल डायग्राम इंडक्शन मोटर का क्या नहीं फाइंड आउट कर सकता? सर्कल डायग्राम इंडक्शन मोटर का कभी भी एफिशिएंसी को फाइंड आउट नहीं कर सकता, बाकी सब फाइंड आउट कर देगा। नेक्स्ट है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है इंडक्शन मोटर में, उससे क्या फाइंड आउट नहीं हो सकता? शॉर्ट सर्किट टेस्ट से इंडक्शन, अब ये नॉट वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना JEE के अंदर आजकल, वो भी इंक्लूड करे हैं मैंने। तो ये जो PDF होती है ना, इसमें मैं हमेशा साइट से आपको वो वाले क्वेश्चन चुन के कराता हूँ, वो वाले क्वेश्चन चुन के कराता हूँ आपको साइट से, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ताकि आपका कम समय में ही बहुत सही से तैयारी हो जाए। जैसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट इंडक्शन मोटर में क्या डिटरमाइन नहीं कर सकता? ओ भैया, विंडेज लॉस डिटरमाइन नहीं कर सकता, बाकी सब हो जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉसेज भी आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी होती है, पावर स्केल सर्कल डायग्राम भी आ जाता है, लेकिन विंडेज लॉस डिटरमाइन नहीं होते। ये रहा भैया NHPC वाला क्वेश्चन तुम्हारा, टॉर्क ऑफ अ रोटर इन एन इंडक्शन मोटर अंडर रनिंग कंडीशन इज मैक्सिमम। ठीक है, ये क्वेश्चन NHPC में भी आया था, टॉर्क जो होती है ना इंडक्शन मोटर की, किस कंडीशन पे मैक्सिमम होती है, तो ये सबको पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ द स्लिप एट विच स्लिप बिकम यूनिटी, गलत है, पहला तो गलत है, यूनिटी स्लिप पे तो नहीं होगा, रनिंग कंडीशन पे पूछा है ना, रनिंग कंडीशन पे कभी स्लिप यूनिटी नहीं होती, स्टार्टिंग कंडीशन पे होती है, ये भी ध्यान रखना, इसलिए मैंने ए ऑप्शन को गलत किया है। समझ रहे हो ना बात, जिसने मशीन पढ़ी होगी, उसके बाद होती है जीरो स्लिप पे, ऑप्शन सी आएगा, वैल्यू ऑफ द स्लिप विच मेक्स रोटर रेजिस्टेंस पर फेज इक्वल टू द
रोटर रिएक्टेंस, ठीक है। तो रोटर रिएक्टेंस, अरे यार ये पढ़ा होगा ना फॉर्मूला, उसी को इंग्लिश में लिख दिया उसने, समझ रहे हो ना। आर टू इज इक्वल्स टू स्लिप टाइम्स एक्स टू तो पढ़ा होगा मशीन में फॉर्मूला, इसी पे तो टॉर्क मैक्सिमम होती है, रनिंग टॉर्क तो यही तो है, तो इसी को तो लिख दिया ना इंग्लिश में। द वैल्यू ऑफ द स्लिप एट विच रोटर रिएक्टेंस, रोटर रिएक्टेंस क्या है ये, बराबर किसके रोटर रेजिस्टेंस के, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो अब ये करो जरा, सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल हैं इसमें, कॉन्सेप्ट बेस्ड, ये ना लगा लेना कि तुक्का मार के हो जाएगा, पहले पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब जाके होएगा, ये ऐसे रट्टे से नहीं होता। अब वो जमाना गया कि बैक ईएमएफ का न्यूमेरिकल दे दिया और तुम शेर बन के आ गए घर में, मेरे 160 आए हैं जी। एनएचपीसी में कैसे कर रहे थे बच्चे, मेरे 160, 170, 180, 190, हुआ क्या आंसर के आने के बाद, क्या हाल हुआ, हो गया ना बुरा हाल सबका, वो इसीलिए हो रहा है। वो जमाना गया बैक ईएमएफ का फॉर्मूला पे जी, ईजी इज इक्वल्स टू जेड एन फाइव पी एग्जामिनर ने दिया और तुमने फॉर्मूला में न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करी और जी बन गए शेर। अब असली इम्तिहान है, थ्योरी क्वेश्चन डालते हैं अभी, कॉन्सेप्ट जरा पढ़ना। व्हाट विल हैपन इफ द रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर फ्लक्स ऑफ रोटेटिंग स्पीड बिटवीन द रोटेटिंग फ्लक्स ऑफ द स्टेटर एंड रोटर ऑफ द इंडक्शन बिकम जीरो। भैया अगर स्टेटर और रोटर के बीच का फ्लक्स जीरो हो जाता है ना तो मोटर कभी रन नहीं करती। स्टेटर और रोटर का फ्लक्स अगर जीरो हो जाता है तो मोटर कभी भी रन नहीं करती, याद रखना। ये बोल रहा है, अगर रिलेटिव स्पीड जो होती है ना, सुनो, रिलेटिव स्पीड अगर रोटर के फ्लक्स की और स्टेटर के और रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर की अगर जीरो होगी तो मोटर कभी रन नहीं करेगी, ठीक है ना। मतलब क्या है, ओ भैया इंडक्शन मोटर को चलने के लिए क्या चाहिए होती है, स्लिप। स्लिप क्या होती है, एनएस माइनस एनआर, ठीक है, एनएस माइनस एनआर, प्रूव करके दिखा रहा हूँ। स्लिप क्या होती है, एनएस माइनस एनआर होती है ना स्लिप, ठीक है ना। यानी रिलेटिव मोशन, रिलेटिव स्पीड जो होती है, अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट विल हैपन इफ रिलेटिव स्पीड बिटवीन द स्टेटर व्हेन द फ्लक्स ऑफ When the rotating flux of stator and rotor of an induction motor become zero, यानी कि दोनों की relative speed zero हो जाए, यानी कि अगर ns minus nr हमारे पास zero हो गया, मतलब क्या होएगा, slip zero हो जाएगी, ठीक है। और torque किसके proportional होती है, समझना जरा, torque किसने, जिसने machine ढंग से पढ़ी होगी, सबको पता है, अगर relative speed यानी ns minus nr अगर हमारा zero हो गया, समझो concept, concept से समझाता हूँ मैं बिल्कुल, ठीक है। रिलेटिव स्पीड यही होती है ना, एनएस माइनस एनआर, इसी को बोलते हैं हम स्लिप। स्लिप अगर ज़ीरो होगी, टॉर्क क्या होती है, किसी चीज़ को घुमाने का बल, भाई टॉर्क से ही तो घूमती है ना कोई चीज़, रोटेटिंग मोशन होता है ना टॉर्क, ठीक है ना, किसी चीज़ का। अब अगर स्लिप ज़ीरो है और टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्लिप के, स्लिप ही अगर ज़ीरो होगी तो टॉर्क क्या हो जाएगी, ज़ीरो, तभी तो मोटर घूमती नहीं है। ये लो प्रूफ भी करके दिखा दिया, ये रट्टे रट्टे वाला हिसाब किताब नहीं होता मेरा, बुक से बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ाई की हुई है। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल होती है स्लिप के, स्लिप अगर ज़ीरो होगी यानी रिलेटिव मोशन अगर ज़ीरो हो गया तो मोटर की टॉर्क ज़ीरो होगी, टॉर्क मतलब घूमने की पावर ज़ीरो होगी तो मोटर रन ही नहीं करेगी, ऑप्शन बी, टॉर्क विल नॉट रन। तो आप ऐसे रिलेशन बना के भी थ्योरी के क्वेश्चन कर सकते हो, रटने की थ्योरी क्वेश्चन कभी रटे नहीं जाते, तभी तो आजकल डाल रहे हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। आपको कॉन्सेप्ट लगाना, ख़त्म करना खेल। सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर, खेल ख़त्म। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और खेल खत्म हो जाएगा। एक सेकंड, जरा थोड़ा सा कुछ ठीक कर रहा हूं यहां पे।
अबे यार, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, लाइट तो रुक जाओ रुक जाओ। कुछ सिस्टम में गड़बड़ हो गई थी, अब चल पड़ा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब है, इन अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर समटाइम्स कॉपर बार्स आर प्लेस डीप इन द रोटर टू। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कभी कभार कॉपर बार्स को बिल्कुल डीप प्लेस करना पड़ता है। क्यों? ताकि 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 इम्प्रूव कर सकें स्टार्टिंग टॉर्क को। कॉपर बार्स को डीपली इंट्रोड्यूस इंसर्ट करके रोटर में इम्प्रूव होती है स्टार्टिंग टॉर्क। द स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडक्शन मोटर क्लोजली रिजेंबल द स्पीड कैरेक्टरिस्टिक किसी इंडक्शन मोटर की किसको क्लोजली रिजेंबल करती है? तो याद रखना, जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना किसी भी इंडक्शन मशीन की, स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हमेशा डीसी शंट मोटर के बराबर होती है। क्यों? ये भी एक कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर है। डीसी मशीन्स में कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर कौन सी होती है? शंट मोटर। और इंडक्शन मोटर भी ना लगभग लगभग कांस्टेंट स्पीड देती है, थोड़ा सा ही ड्रॉप होता है। ठीक है, नो लोड से फुल लोड तक। हालांकि सिंक्रोनस मशीन्स जैसी तो नहीं देती, सिंक्रोनस मशीन्स की तो बिल्कुल एक्यूरेट कांस्टेंट स्पीड होती है, लेकिन इसकी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, वो थोड़ी थोड़ी शंट मोटर जैसी जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी शंट मोटर जाएगा। इतना बढ़िया मशीन का मास्टर पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। स्टेपलेस स्पीड कंट्रोल ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज पॉसिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? हाँ जी, स्टेपलेस स्पीड कंट्रोल मेथड जो होता है किसी इंडक्शन मोटर का, वो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? स्टेपलेस स्पीड कंट्रोल मेथड हमेशा उस मेथड को बोलते हैं जहां पे पोल को चेंज करते हैं, और ऑप्शन आएगा बी। अच्छा, अगर ये पूछता कि स्टेपलेस स्पीड कंट्रोल किस मोटर में यूज होता है, तो स्टेपलेस स्पीड कंट्रोल का मतलब क्या है? पोल चेंजिंग मेथड। पोल चेंजिंग मेथड किस में यूज होता है? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में। तो ये भी याद रखना, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना भैयों। ठीक है, स्क्वेरल केज में होती है। स्टार्टिंग टॉर्क जो होती है थ्री फेज स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर की, स्टार्टिंग टॉर्क थ्री फेज स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर की 1.5 टाइम्स होती है फुल लोड टॉर्क के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग टॉर्क स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर की हमेशा ज़्यादा होती है, और इसी की वजह से ये जो 1.5 टाइम्स होती है ना स्टार्टिंग टॉर्क स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की। रुको, द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ अ डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड, द टू केज कैन बी कंसिडर्ड इन पैरेलल। ठीक है, तो डबल स्क्विरल के इंडक्शन मोटर के जो केजेस होते हैं ना हमारे, वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इतने MCQs भी बहुत है, थोड़े 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 करके ना सारे करा दूंगा। ठीक है, तो अभी थोड़े से इतने ही प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, फिर आज शाम को एक और वीडियो डाल दूंगा इंडक्शन मोटर में, दो दो। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं। ठीक है।